Hello, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and great at your place. So, आज की this video is gonna be my jewelry collection जो कि मैंने मीशो से भी लिया है, शॉपसी से भी लिया है और शायद एक आंध तो फ्लिपकार्ट से भी लिए हैं. So, it's gonna be mix haul to pinch your pocket. ये बिल्कुल भी expensive नहीं है, बहुत affordable है, कोई भी इसको afford कर सकता है और ले सकता है. So, without any further ado, let's just get started. सो फर्स्ट नेकलेस सेट हमारा ये है जो कि थ्री लेयर्स में है. थ्री क्या, वन टू फोर, फोर लेयर्स में है और ये बहुत कलरफुल, बहुत प्यारा है. इसमें ये ब्लैक बीट्स की डिटेलिंग दी हुई है, प्लस ये पूरा ऐसे कलरफुल है और पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है यार. इसको जब मैंने देखा तो मैंने कहा था मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए. उसका ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आई थी, इसका बॉक्स कुछ ऐसा था. ये पूरा मेटल का है, ये दिखने में बहुत हैवी लग रहा है, इट्स वेरी लाइट वेट. और प्लस इसके साथ आपको सिर्फ यही नहीं, इसके साथ आपको इसकी एयरिंग्स भी मिलती हैं जो कि कुछ इस तरह हैं. ये पहनने के बाद काफ़ी बंजारन वाली फील्स देता है और इसको अगर आप सॉलिड कलर के साथ पेयरअप करेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, लाइक मरून के साथ, ब्लैक के साथ, तो ये बहुत एलिगेंट लगेगा उस पर. और ये मैंने शॉपसी से लिया था और इसका प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 160 रुपीज़, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है यार. मतलब कि 160 में इतनी अच्छी डील. मैं इसे पहन के दिखाती हूँ कि पहनने के बाद कैसा लगता है. और ऐसे भी पहन सकते हैं, सी कितना प्यारा लग रहा है. लेट मी डू द ब्यूटी शॉट्स. It is too hot in Prayagraj. ये कुछ ऐसा लगता है पहनने के बाद. So pretty, so yeah. I know this is not going with this kurti, but as I told you कि ये black color के साथ और maroon color के साथ काफी elegant लगता है. So pair it with that way. Moving on to the next piece, which is this mirror वाला neck piece. ये आपने बहुत देखा हुआ है कि Instagram में हर जगह ये famous हुआ है, हर जगह ये पूरा trend में है, ऐसे neck piece. ऐसे इसको अफगानी शायद कहते हैं ना, अफगानी jewelry. इसको मैं पहन के भी दिखाती हूँ कि कैसा लगता है पहनने के बाद. See, you can behave like that, you are Maharani. मैंने मीशो से लिया था. मैं आपको लिंक वगैरह, नहीं लिंक नहीं, कोड वगैरह सब दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मेंशन होगा. सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नेक्स्ट पीस हमारा ये है जो कि पूरा ऐसे बहुत लाइट वेट है. एक पतली सी चेन है, फिर उसमें से ये छोटे छोटे घुंघरू दिए हैं और यहाँ पे नीचे झुमकी की डिटेलिंग दी हुई है. ये पहनने के बाद इसका, ये मैंने शॉपसी से लिया था और इसका प्राइस था 116 रुपीज़. और ये ही नहीं, इसके साथ मेरे को मिले थे इसके दो झुमकी, इसकी एयरिंग्स जो कि कुछ ऐसी हैं. ये मैंने पहन लिया है और इसकी एयरिंग्स भी पहन लेते हैं हम लोग. लग रही हूँ ना मैं सुंदर. ये अब आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है. देखिए पास से कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा लगता है. बहुत काफी सिंपल और मिनिमल है. इसके एयरिंग्स की ओर जो कि मैंने, ये है हमारी एयरिंग्स, ये हैं झुमके जो कि मैंने मीशो से लिया था यार. ये सो ये पहनने के बाद कुछ ऐसा लगता है. इसको आप किसी भी लुक के साथ चला जाता है. अगर आपको सिंपल लुक रखना है तो आप तो भी ये पहन सकते हैं विथ मिनिमल मेकअप. और अगर आपको कहीं वेडिंग में जाना है या कुछ डिफरेंट सा लुक क्रिएट करना है तो भी आप ये पहन सकते हैं. सो नेक्स्ट ईयरिंग हमारी ये है जिसमें हाथी राजा हमारे बने हुए हैं और रेड कलर का कुंदन बोलते हैं जो भी है, ये लगा हुआ है. उसमें ये
नीचे ऐसे मोती वाइट मोतियाँ लगी हुई हैं, ये काफ़ी सुंदर लगता है। और ये मैंने शॉपसी से लिया था 75 रुपीज़ में। इसको भी मैं पहन के दिखा देती हूँ। मैं सबको जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि जल्दी टाइम ना लगे, सब जल्दी कवर हो जाए। मैंने आज आउटफिट अपना अच्छा चूज किया है, मेरा हर एक इयरिंग मेरे आउटफिट से जा रहा है या नहीं जा रहा है। बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट इयरिंग। सो नेक्स्ट इयरिंग हमारी ये है, जिसका ऐसे पान के पत्ते वाला शेप है और नीचे से मोतियों की ऐसे झालर। तो आइए इसको भी पहन के दिखाते हैं ये कैसा लगता है। ब्यूटी शॉर्ट्स था क्लोज लुक। ये मैंने एक ऐप था बीच में आया था शॉपी करके, वहाँ से मैंने ये लिया था। तो इसका प्राइस मेरे को आई थिंक 65 या 70 ऐसे कुछ था, बहुत रीज़नेबल था तो मैंने ले लिया बहुत। और आज जितनी भी ज्वेलरी है सारे अफोर्डेबल हैं, किसी का प्राइस इतना एक्सपेंसिव नहीं कि कोई ना अफोर्ड कर पाए। सो या क्या, और अगर मैं अगर ये मेरे को या मीशो में या शॉपसी में कहीं मिलता है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, कोई बात नहीं। सो अब बढ़ते हैं थोड़ा हैवी पीसेस की तरफ, जो कि ये झुमकाज हैं। ये मेरी बहन ने अपने लिए लिया था, तो मैंने सोचा अगर मैं ज्वेलरी हॉल कर ही रही हूँ तो मैं उसको भी इंक्लूड कर देती हूँ। सो भी बहुत ऐसे सुंदर है, सो इसे मैं पहन के दिखाती हूँ। और ये भी था मीशो से, इसको इन्फ्लुएंसर्स के पास है ये, और इसका प्राइस कुछ 200 के करीब था, मेरे को याद नहीं है पर मैं मेंशन कर दूंगी। इसमें पीछे आपको ये निकल भी सकता है, तो इसमें पीछे आपको अच्छे से एक हैक आया था ना बीच में कि बैंडेज लगा के फिर इयरिंग पहनो, तो उससे इयरिंग आपकी निकलेगी नहीं। सी इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये कुछ ऐसी है, ये पहनने के बाद कुछ ऐसी लगती है। हमारा नेक्स्ट पीस जो कि मैंने मेरी बहन की एंगेजमेंट थी तो मैंने उसके लिए लिया था, मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, आप देख लीजिएगा कैसा लगता है ये। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल, मतलब इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा। और इसका प्राइस था, ये मैंने मीशो से लिया था और इसका प्राइस था 170 रुपीज़ आई थिंक, हाँ 170 रुपीज़ मैं मेंशन कर दूंगी। इसको मैंने अपनी बहन के हुआ है, कुंदन वर्क और स्टोन्स ऐसे लगे हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसको मैं अभी पहन के आपको दिखा देती हूँ, कुछ ऐसा लगता है ये पहनने के बाद। इसके साथ नहीं जा रहा क्योंकि ये चिकनकारी कुर्ती है, तो ऑब्वियसली इसके साथ नहीं जाएगा, पर कोई ये पहने बाद कुछ ऐसा लगता है। एक और हैवी इयरिंग की तरफ जो कि ये है, ये पूरा मेरे एक हाथ कवर कर रही है, यू कैन सी। ये भी हैवी है, पहनने के बाद ऐसे कान ऐसा लटक सा जाता है, पर वही है बैंडेज वाला हैक आप यूज़ करेंगे तो शायद ऐसा ना हो। ये मैंने मीशो से लिया था और इसका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल था, 170-169 ऐसे कुछ था इसका प्राइस, मुझे ठीक से याद नहीं है। पर आप इसमें देख सकते हैं ये ऐसे पहले मिरर वाला डिटेल है, फिर ऐसे चांद बालियाँ दी गई हैं, फिर ऐसे कुंदन वर्क है पूरा इसमें, बहुत बहुत प्यारा लगता है। इसको भी मैं पहन के आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस इयरिंग, यू कैन सी दैट इट इज़ कवरिंग माई होल नेक, इट इज़ सो ह्यूज यार एंड लुक सो ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, सो ये हमारी नेक्स्ट इयरिंग जो कि कुछ ऐसी दिखती है। इसमें पूरा ऐसे कुंदन का वर्क दिया गया है, कुंदन आई थिंक स्टोन कुंदन जो भी है, मेरे को पता नहीं ये क्या है, पर बहुत प्रिटी वर्क दिया है। और ये इसको भी मैंने मीशो से लिया था, आई थिंक 120-130-150 ऐसा कुछ था। प्राइसेस चेंज होते रहते तो मैं ऐसे बता नहीं सकती कि एग्जैक्ट कितने का है, पर इसको मैं पहन के। ये सारे इयरिंग्स काफ़ी आजकल काफ़ी ट्रेंड में, काफ़ी इन में है, हर कोई इसको लेता है।
मेरे पास ज़्यादातर वही इयरिंग्स है जो आजकल ट्रेंड में है, तो उसलिए मैंने सोचा कि मैम मैं आपके साथ सारी इयरिंग्स अपनी शेयर करूँ, सारा कलेक्शन अपना शेयर। ये पहनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है? सो नेक्स्ट है ये सिंपल से हूप्स टाइप वाले इयरिंग, ये भी बहुत प्रिटी है यार, बहुत सुंदर लगता है, बहुत लाइट वेट है और बहुत इजीली किसी भी आउटफिट के साथ आप पेयर कर सकते हैं। लेट मी शो यू। इसके साथ एक शायद नेक पीस आया था, वो अभी मेरे पास है नहीं, पर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका कोड और लिंक दे दूँगी। और इसका भी प्राइस था 180-170 ऐसे था। कोई ये बहुत प्रिटी है, ये मेरे को थोड़ा जयपुर जयपुर वाला स्टाइल लगता है, तो मैंने सोचा यार ले लूँ। इसमें ऐसे बीट्स लगे हुए हैं, ऐसे कलरफुल बीट्स लगे हैं, प्लस थ्रेड्स से ऐसे पूरी ऐसे डिटेलिंग दी गई हुई है लाइनिंग लाइनिंग करके। सो इसको मैं पहन के दिखा देती हूँ। ये मीशो पे भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर लेना, मैं इसका कोड दे दूँगी। तो जैसा लगता है ये पहनने के बाद। सो मैंने अपनी सारी एथनिक इंडियन ज्वेलरी दिखा दी है, तो वेस्टर्न भी ज्वेलरी है, पर मैंने सोचा उसका मैं अलग से हॉल बनाऊंगी, क्योंकि अगर इसी में इंक्लूड कर दूँ तो बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा मेरा कलेक्शन। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई यूजर नेम इज़ पूना दुबे अंडरस्कोर। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत अच्छा, टाटा बाय बाय, टेक केयर। देखो देखो प्यारे प्यारे इयररिंग्स देखो। ओके मूविंग ऑन। यार मैंने फैन चला लिया, मेरे को बहुत गर्मी हो रही थी, अभी मेरे पसीना हो रहा है, पर कोई बात नहीं, हम और अपनी वॉल्यूम तेज करके आपके कानों तक अपनी आवाज़ सुनाएंगे। वाह वाह क्या बात है। ओके मूविंग ऑन टू दिस वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, वेली वेली वेली